नमस्कार। हिंदुत्व की कब्र खोदने का सपना देखने वाला एएमयू, भारत विभाजन का भी मुख्य किरदार निभाने वाला एएमयू, मतलब जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही हिंदुत्व के विरोध पर हुआ, भारत के विरोध पर हुआ, वो यूनिवर्सिटी आजाद भारत में फलता फूलता रहा भारत सरकार के पैसे से, भारत सरकार द्वारा पैसे से नहीं विशेष दर्जा प्राप्त करके। एएमयू कहने को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया गया, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर इसने भारत सरकार के तमाम कानूनों की अवहेलना की। तब उस एएमयू का मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जा छीनने की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वैसे तो 2005 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना हिस्टोरिकल फैसला देकर यह कहा, इस देश में सरकारी धन पर सरकारी भारत सरकार के द्वारा कोई भी अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं चलाया जा सकता। इसके बावजूद एएमयू चल रहा है, चलता आ रहा है, क्योंकि सोनिया की मनमोहनी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ली और उसके बाद इस पर सुनवाई लगातार होने ही नहीं दिया। 2005 से 2016 तक ये मामला जस का तस पड़ा रहा। 2016 में भारत सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ की अर्जी के खिलाफ अपनी अर्जी लगाई और कहा कि हम उस हलफनामा को वापस लेना चाहते हैं जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फैसले का विरोध किया गया। अब मोदी सरकार उस यूनिवर्सिटी का दर्जा छीनना चाहती है, भारत सरकार उस पर अब अल्पसंख्यक रूप में कोई खर्च नहीं करेगी। है ना कमाल की बात। इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण का कोई रूल लागू नहीं होता, लेकिन लालू मुलायम जैसे नेता कभी इसका विरोध नहीं किया। 370 जिस तरह से खंजर रहा, 370 जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों के जीने का अधिकार नहीं था, ठीक इसी ढंग से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। शाहीन साजिश की बुनियाद ही रखी रची गई थी। आपको याद है इसी यूनिवर्सिटी से क्या नारे लगे थे, जरा सुनिए। इस यूनिवर्सिटी से कई ऐसे लोग पैदा हुए जिस पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे, भारत के खिलाफ हिंदुत्व के खिलाफ कई जहर उगले गए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला किया है कि इस यूनिवर्सिटी का वो दर्जा छीना जाएगा, भारत सरकार इस पर खर्च नहीं करेगी। यदि यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनकर रहना चाहता है तो उसे अपना खर्च खुद करना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि 7 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये 7 जज अब एक हिस्टोरिकल फैसला देंगे जिससे ये कलंक मिटेगा और हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं के खिलाफ साजिश खत्म होगी।